गिरिडीह के डुमरी रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में डूब गए हैं। पीड़ित परिजनों ने इंसाफ पाने के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल के सामने ही धरना दे दिया। पीड़ित परिजन के साथ लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति की सदस्य सुनीता देवी भी मौजूद थी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र साहू भी डुमरी रेफरल अस्पताल के गेट में ही मृत बच्चे को लेकर धरने पर बैठ गए। लक्ष्मण टुंडा निवासी मंटू साफ की पत्नी देवंती देवी को प्रसव पीड़ा होने पर डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन देवंती देवी ने 2 बजे रात में ही बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन अस्पताल में तैनात ANM ने नवजात बच्चे की गंभीर हालत देख चिंता जाहिर की। वहीं डुमरी रेफरल अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र ने बच्चे को बिना देखे ही धनबाद के PMCH रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही नवजात की मौत हो चुकी थी। आपका हमारा नाम भोला साहब है। कहाँ घर है? लक्ष्मण टुंडा। क्या हुआ हॉस्पिटल में आपके साथ? हॉस्पिटल में लापरवाही है, डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर बुलाने से भी नहीं आता है। अभी फिलहाल हुआ क्या? बच्चा को तो मौत हो ही गया है और घर से रेफायर करता है डॉक्टर, यहाँ बच्चा को नहीं देखा, डॉक्टर घर से रेफायर कर देता है धनबाद। बच्चा क्या मौत हो गई है क्या? मौत हो गई। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको करवा किया जाए। वहीं पीड़ित परिजनों के साथ मौजूद सुनीता देवी ने भी बताया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही नवजात बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर जितेंद्र ने नवजात बच्चे को बिना देखे ही रेफर कर दिया था। ये डॉक्टर के लापरवाह के कारण आज माँ की गोद को सुना कर दिए हैं। इतना लापरवाह है कि डॉक्टर अपने डेरे से ही बच्चा को बिना देखे रेफर कर दिए। और बच्चा कौन डॉक्टर था? जितेंद्र सिंह थे। और बच्चा को उसके बाद तो चाची में हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा दिखाया गया तो बच्चा बोले ना बच्चा कब का ही डेट हो चुके हैं। इतना लापरवाह है, इसे डॉक्टर पे कार्रवाई होना चाहिए। डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती हुआ था बच्चा? जी हाँ, 10 बजे रात को हुआ था, बच्चा 2 बजे। तो डॉक्टर अपने घर अपने डेरे से ही रेफर कर दिया, बच्चा को देखे भी नहीं कैसा है क्या नहीं है बच्चा का स्थिति। और बच्चा पहले से ही मर चुका था? पहले से ही मर चुके थे। तो अभी क्या मतलब आप लोग धरना में बैठ गए हैं, तो क्या मकसद क्या है? कि ऐसा डॉक्टर पे कार्रवाई करना चाहिए जो बच्चा को हत्या कर दिए, ऐसे हत्यारे ही डॉक्टर को कह सकते हैं हम। मतलब बिना जांच किए ही रेफर कर दिए, इस पर आप कार्रवाई करने की मांग कर रही है। वही पीड़ित परिजनों की मदद के लिए आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सुरेंद्र साहू ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से ही नवजात की मौत हो गई। साहू ने कहा कि मृत बच्चे को ही डॉक्टर ने रेफर कर दिया था। 2 बजे बच्चा जब उनका जन्म हुआ, बच्चा स्वस्थ था और कुछ त्रुटियां था बच्चा में, वो तो ANM ही बता सकती है, नर्स ही बता सकती है। तो बच्चा के परिजनों को बोला गया उनके द्वारा कि बच्चा थोड़ा सा दिक्कत में है, तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ आए भी नहीं, और जो रेफर का पेपर है, अस्पताल का पेपर अपने आवास में ही जो प्रभार में रात को थे अपर जितेंद्र कुमार सिंह जी, बच्चा को बिना देखे अपने डेरे से ही उनको रेफर कर दिया गया PMCH धनबाद। पहले से बच्चा मर चुका था और उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। फिर रेफर का जब आता है, फिर परिजन लोग हमको फ़ोन किए कि गाड़ी नहीं है, सो गाड़ी से लेके जाना है, दिक्कत में है। फिर हम तुरंत बिना देर किए लगभग 15 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए। एम्बुलेंस को हम फ़ोन किए, एम्बुलेंस आ भी गया। जब बच्चा को एम्बुलेंस में रखे तो उनका धड़कन रुका हुआ था, हम लोग जैसा लगे हम लोग को, और एक दो लोग और थे, वो लोग बच्चा का स्थिति ठीक ठाक नहीं है। फिर हम बोले कि कौन देखा बच्चा को? बोला डॉक्टर तो देखा ही नहीं है, रेफर कर दिया हो आवाज़ से ही। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए तो दरवाज़ा खोले भी नहीं। फिर सिविल सर्जन जी से हम बात किए तो सिविल सर्जन जी शायद उनको फ़ोन किए होंगे डॉक्टर साहब को, फिर वो यहाँ पे आए। हम उनको बोले कि आप बिना देखे डॉक्टर साहब बच्चा को रेफर कर दिए, ये कहाँ तक उचित है? वही रेफरल अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैंने देखा था बच्चे को, स्थिति उसका जो है ANC उसका नहीं हुआ था, तो उसका डिलीवरी हुआ, हम लोग सिस्टर लोग कराई है। कराने के बाद जो है उसको को बोला करके कैसा है तो हम देखे तो फिर आनंद में हम उसको देख करके 108 सेल करके उसको रेफर कर दिए PMCH धनबाद। तो सर जो आरोप लगाया जा रहा है क्या निराधार है? निराधार है। सिविल सर्जन को मामले की जांच करवाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर
डुमरी रेफरल अस्पताल के डॉक्टर पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के सी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।